वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। कैसे आप सब? सो गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि हम कितने इजी टू वे में अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बिकॉज हम जब शादी में जाते हैं अपना मेकअप तो कर लेते हैं, बट हम अपना हेयर स्टाइल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हाँ भाई लूज करा और पैसिंग करिए और चलो भाई चल दिए। सो गाइस, मैं आपको इजी से बताऊंगी हेयर स्टाइल, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जाकर देख, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाके एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। तो गाइस, करते हैं आज का वीडियो। हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें कुछ इस टाइप का कॉम लेना है, इससे इजली हेयर स्टाइल मतलब पार्टीशन हो जाती है और बैक कॉमिंग तो बहुत ही अच्छी होती है, और ये अराउंड आपको 30 रुपीज़ में लोकल मार्केट में कहीं से मिल जाएगा। और गाइस, ध्यान रखिए, जब भी हम हेयर स्टाइल बनाते हैं उससे पहले हम जितना हमारे हेयर्स में जितने भी ट्रायंगल होते हैं उसे अच्छे से रिमूव कर ले, जिसे हम बोलते हैं लाइक अड़े हुए बाल। अड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मतलब सुलझे हुए होने चाहिए, इससे आपको हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल, इसके लिए अब हम सेंटर पार्टीशन कर लेंगे। सेंटर पार्टीशन करने के बाद अब मैं वन साइड से अपने ये थोड़े से हेयर उठाऊंगी और इसे अच्छे से कॉम कर लूंगी। कॉम करने के बाद अब मैं इसे अंदर की साइड से ट्विस्ट करूंगी। यू कैन सी, ट्विस्ट करने के बाद इसे मैं अब बाहर की साइड में पुल करूंगी, और आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से करा है। और ये 5 मिनट भी नहीं लगते गाइस, ये तो इजली से बनने वाला है। और मैं सेकंड साइड से भी कुछ इस तरह से करूँगी। और सीरियसली गाइस, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, अगर आप ये ऐसा हेयर स्टाइल करते हो तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अब मैं आगे से ये थोड़ी थोड़ी सी फ्लिप्स निकाल लूँगी। आप चाहे तो ये स्कूल पार्टी वगैरह कहीं पे भी इजली कर सकते हो, और आप चाहे तो नीचे से थोड़े थोड़े से कर्ल्स कर ले, तब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगने वाले हो। और ये था मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल, और अब ये है मेरा सेकंड हेयर स्टाइल जो मैं बनाने वाली हूँ। मैं आगे की साइड से जो भी मेरे छोटे हेयर है मैं उनको सेट कर लूँगी और उसे बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, और जिससे वो मेरी आइज़ में नहीं आएंगे। सो मैं अब अपने ये जितने भी मेरे हेयर से साइड में ले आऊँगी, बिकॉज मैं साइड में पोनी करने वाली हूँ, लाइक जिसे हम गुद बोलते हैं। आप, मैंने यहाँ पर गुद करी है। आप चाहे तो फ्रेंच चोटी कर सकते हो या फिर खजूरी चोटी कर सकते हो, जिसे हम खजूरी चोटे बोलते हैं वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर गुद करी है। और आप ना जब भी हेयर स्टाइल करो, अगर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हो, बिकॉज उससे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल लगता है। और इसे मैं जब भी गुद बनाने लगी हूँ, और उससे ना थोड़े थोड़े बाल अपना पुल करूँगी बाहर की साइड पे, बिकॉज उससे जितना भी मेरे ये जो गुद है थोड़ी सी हैवी लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप इस पर, मैंने इस पर एसेसरी नहीं दिखाई है लगाकर, अगर आप एसेसरी लगाते हो तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये आपका हेयर स्टाइल। और ये भी 5 से 10 मिनट ही लगने वाला है, इतना ही मेरे को टाइम लगा था। और ये भी आप किसी शादी वगैरह किसी के साथ भी कर सकते हो, मैंने इसमें क्रॉप टॉप के साथ करके दिखाया आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो मेरे आगे की फ्लिप्स हैं, मैं इसे अब बैक कॉमिंग करूँगी। कॉमिंग करने से बहुत ही अच्छा बाउंस आ जाता है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका ये मेरा हेयर स्टाइल लग रहा है। ये थोड़े से मेरे जो आगे का मेरा ये जो फोरहेड है ना, बहुत ही अजीब सा है, मुझे ही नहीं पता कैसे है, क्योंकि मेरे फेस पे यार कोई सा भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है ऐसा। और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरे फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। देन थर्ड मेरा ये हेयर स्टाइल है, मैंने चेंज कुछ नहीं करा है, बस जो भी मेरी गुद थी उसे मैं साइड बन बना लूँगी। ये तो भैया बन तो अगर आप साड़ी के साथ करते हो, लहंगे के साथ करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मेरे एक्स्ट्रा फ्लिप्स थी उसे मैंने साइड में बन के साइड में बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया। और यू कैन सी गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये वाला हेयर स्टाइल, और साड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अब हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल, जो कि मैंने साइड वाली साइड से अंदर की साइड से अपने हेयर्स को ट्विस्ट कर लिया और अलग अलग बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर करे हैं। अब मैं आगे की साइड से अंदर की साइड पे ट्विस्ट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा पुल करूँगी बाहर के साइड पे, और इसे मैं बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। ऐसे ही अब मैं थोड़े थोड़े से अपने हेयर्स लूँगी और उन्हें अंदर की साइड से ट्विस्ट करके बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। आई नो गाइज, ये सब आपको हेयर स्टाइल आते होंगे, बट जो मेरे को आते हैं जैसे भी आते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये हेयर स्टाइल तो भैया कोई भी कर सकता है, लाइक छोटी जो बेबीज़ होती हैं जो स्कूल जाती हैं वो, उनको करोगे तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है वो अपने स्कूल में। और आप चाहे जो टीचर हैं, वर्किंग हैं, कोई भी कर सकता है यार, डेली यूज़ में भी आप ये वाला हेयर स्टाइल तो कर ही सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। एंड आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे फेस पे कौन सा ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, और ये भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा।
एंड ये मेरा लास्ट हेयर स्टाइल है और इसे कुछ नहीं करना, हमें अपने ट्विस्ट वाले हेयर्स को भी ओपन नहीं करना, बस लाइक एक पोनी बनानी पोनी करनी है, टाई करना है अपने हेयर्स को। आप अच्छी सी रबर बैंड ले सकते हो लाइक जिसमें स्टोन वगैरह होते हैं, एक्सेसरी भी लगा ही सकते हो। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल कैसा लगा। ये आप हेयर स्टाइल इजी टू वे में है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप कहीं पे भी कर सकते हो, आपको पार्टी फंक्शन वगैरह कहीं पे भी जाना है कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे के साथ लाइट स्प्रे करो, ज़्यादा हैवी में मत करो, अगर लाइट लाइट के साथ करोगे तो भैया बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आने वाला है आपके हेयर्स में, बहुत ही अच्छे लगेंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करना। एंड या बाय बाय टिल एंड।